ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, अगला अलग टाइप से है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट कर ले गए ना बच्चे, तो आप सब कर ले गए। एक बहुत मशहूर डायलॉग है हमारे राजकुमार साहब का कि जानी हम वो नहीं जो आँखों से सुरमा चुराते हैं, अरे हम तो वो हैं जो आँखें ही चुरा लेते हैं। आई बात समझ में? तो आप पूरा का पूरा आँखें चुराओ, आँखों से काजर निकाले क्या करोगे, टंडन लगाओगे क्या हैं? इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, और अगर डायलॉग सही ना लगा हो तो राजकुमार साहब कुछ ऐसा करते हैं, जानी हम वो नहीं जो आँखों से सुरमा चुराते हैं, हम वो हैं जो आँखें ही चुरा लेते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, या फिर इसे कहते हैं हम सारणिक। इससे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ा है, अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है सारणिक, मतलब जो हम पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा हमने पढ़ा मैट्रिक्स, अब हम आज से स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप एक एक क्वेश्चन की नोट्स बनाते चल रहे हो ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो डिटर्मिनेंट को समझने के लिए कि डिटर्मिनेंट क्या है और डिटर्मिनेंट की अवधारणा कहाँ से आई, इसका मेन लॉजिक कहाँ से आया, उसके लिए हम दो इक्वेशंस पर विचार करते हैं बच्चों, जिसे हम एक चर वाला एक रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल a1x + b1 = 0 देखते हैं, और एक है a2x + b2 = 0। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड पर विचार करते हैं। तो अगर हम एक बात करें कि अगर मान लो कि a1 जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, a2 भी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो इस केस में अगर हम देखें बच्चों, तो हम सबसे पहले देखते हैं समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक से हमें क्या मिलेगा, a1x + b1 = 0। तो अगर मैं यहाँ से a1x करूँ तो उधर मिलेगा -b1, x इक्वल टू मिलेगा प्यारे बच्चों -b1/a1। कोई दिक्कत है? ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। ऐसे ही अगर हम समीकरण दो से भी x का मान निकालें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें, a2x + b2 = 0, तो a2x को रोकेंगे, b2 उधर जाएगा तो -b2 बनेगा, तो प्यारे बच्चों x = -b2/ क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा, फोर्थ होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अभी हम केवल देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, आगे हम ये भी देखेंगे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है ना, और क्यों हम मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं जो कि सेम लगभग हमें मैट्रिक्स के जैसा ही दिखाई देता है। तो उसके लिए हमने दो समीकरण लिए हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब मात्र एक वेरिएबल रहेगा इन लीनियर इक्वेशंस में। तो मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली पहले इक्वेशन के लिए और दूसरे इक्वेशन के लिए। अब आपको इतना तो पता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, समीकरण तीन एवं समीकरण चार से स्पष्ट है कि x = -b1/a1 है और x = -b2/a2 है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें मिल जाएगा बच्चे -b1/a1 = -b2/a2। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब मैं इसका पक्षांतर करूंगा तो हमारे पास आएगा -b1/a1, ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, b2/a2 = 0। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ प्यारे बच्चों, तो हमें एलसीएम मिलेगा a1 और a2, a1 से a1 कैंसिल होगा, a2 का गुणा b1 से, तो माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों b1 a2, और फिर प्लस a2 से a2 कैंसिल, तो बन जाएगा a1 और b2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब इज इक्वल टू बन जाएगा ये 0। इसको हम थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, आप ये नोट डाउन करते चलना, वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हो, है ना प्यारे बच्चों, ताकि आपकी नोट्स जो है वो एकदम से कंप्लीट रहे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो a1 b2, ये प्लस वाला पहले मैंने लिख दिया,
और माइनस है तो माइनस करके इसे मैं ए टू बी वन, चाहे बी वन ए टू करूँ चाहे ए टू बी वन करूँ, अपॉन क्या हो जाएगा ए वन और ए टू इज इक्वल टू ज़ीरो। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ए वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो अगर ए वन ए टू में से कोई ज़ीरो के बराबर नहीं है तो क्या ए वन ए टू का गुणा ज़ीरो के बराबर होगा? नहीं होगा। तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं है और दो संख्याओं का डिवाइड ज़ीरो है, इसका मतलब न्यूमिरेटर मतलब क्या होगा? अंश ज़ीरो होगा। तो हम बोलेंगे बच्चे अतः ए वन बी टू और माइनस ए टू बी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे क्या बोल देंगे? समीकरण नंबर पाँच। ये हमारा इक्वेशन नंबर फाइव है बच्चे। इसी इक्वेशन को हम एक अन्य प्रकार से लिखने का प्रयास करते हैं और वही तरीका डिटर्मिनेंट कहलाता है। आई बात समझ में? इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इस इक्वेशन को ऐसा बोलते हैं कि समीकरण पाँच को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। समीकरण पाँच को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये तरीका है बच्चे, एक सीधी लाइन ए वन ए टू बी वन और बी टू इक्वल टू इक्वल ज़ीरो कर दिया। तो बस ये इक्वेशन फाइव का एक नया रूप है जिसे हम इक्वेशन नंबर सिक्स बोलते हैं। आई बात समझ प्यारे बच्चों? तो अब हम ये बताएं, चाहे मैं लिख के बोलूँ या आपको समझा दूँ, मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे कि इक्वेशन सिक्स का जो लेफ्ट हैंड साइड का लिखने का तरीका है, यही लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो कुल मिला के बच्चे आप समझ गए हो कि डिटर्मिनेंट कहाँ से मिले हमें, हमारे जो इक्वेशन थे ए वन एक्स प्लस बी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल को एलिमिनेट करने पर जो कांस्टेंट टर्म बचती है उसे हम जिस तरीके से लिख सकते हैं, जिस प्रकार से लिख सकते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं बच्चे? डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट की एक निश्चित वैल्यू होती है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों की? नहीं आई? ये ए वन बी वन क्या है, ये ए वन क्या है, बी वन क्या है, एक नंबर है, है ना। ए टू बी टू क्या है, एक नंबर है। हमें दिखाई दे रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, क्योंकि ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन को ही तो हमने इस फॉर्म में लिखा है। बल्कि मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, मैं ये बोल सकता हूँ कि ए वन ए टू और बी वन बी टू इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? हमने इसी को तो इस फॉर्म में लिखा है, मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में? तो अब मुझे, मैं ये बोल सकता हूँ कि वैल्यू डिटर्मिनेंट की होती है कोई एक नंबर। आई बात समझ में? तो आपको पहला ही डिफरेंस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में मिल गया। पहला तो ये कि जो मैट्रिक्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, ए वन ए टू और बी वन और बी टू, तो ये मुड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे बड़ा कोष्टक कहते हैं, तो बड़े कोष्टक के अंदर लिखे होते हैं। और जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो दो सीधी लाइनों के बीच लिखे होते हैं, है ना बच्चे। अगर एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बड़े कोष्टक के अंदर लिखे हैं तो वो मैट्रिक्स होता है, और अगर वो दो सीधी लाइन के अंदर लिखे हुए हैं तो वो डिटर्मिनेंट होता है। दूसरी चीज, हमने अब तक मैट्रिक्स पढ़ा था लेकिन उसकी कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी। मैंने आपसे कभी नहीं बोला या क्वेश्चन में कहीं नहीं मिला कि निम्न मैट्रिक्स का, निम्न आव्यूह का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कहीं बोला गया क्या? सिर्फ आव्यूहों को प्रूफ करने के लिए बोला गया, दो आव्यूह को जोड़ो, दो आव्यूह को घटाओ, उनका गुणा करो, कहीं भी आव्यूह की या फिर मैट्रिक्स की वैल्यू के बारे में बात नहीं की गई, क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है। ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। जब मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी हुई तब हम कहाँ पहुँच गए, डिटर्मिनेंट के पास पहुँच गए। आई बात समझ प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से ये हमारा 2x2 जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से आया, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से आया, और खासकर तब जब उसके पास दो कांस्टेंट टर्म थे। आई बात समझ में? तो यहाँ तक अगर प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो तो बच्चे मुझे बताएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों,
आप सभी को पता लग गया है कि किस तरीके से वैल्यूज निकल के आती हैं। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण और उनसे बने मैट्रिक्स को या सॉरी डिटर्मिनेंट को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक है ए वन एक्स प्लस बी वन प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। प्यारे बच्चों, आगे हम जब 3x3 डिटर्मिनेंट या फिर 3x3 सारणिक देखेंगे तो वहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन आपको क्लियरली बताऊंगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट के समझो, मैं कहना मतलब हम करेंगे क्या, जब पिछले वाले हमने क्या किया था बच्चे, ए वन एक्स प्लस बी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू इक्वल टू जीरो था, तो x की वैल्यू पता करी थी, x को एलिमिनेट किया था, x को विलुप्त किया था, है ना बच्चे। विलुप्त तभी होगा जब आप उसकी वैल्यू निकाल के पुट करोगे। आगे बात समझ में, आप यूं भी समझ सकते हो कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते माइनस बी वन अपॉन क्या होता, ए वन होता कि नहीं होता, है ना। फिर अगले इक्वेशन में रख देते ए टू एक्स प्लस बी टू इक्वल टू जीरो, तो ए टू एक्स के स्थान पे क्या रख सकते हो, माइनस बी वन अपॉन ए वन, कोई दिक्कत है। अब प्लस करके बी टू इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत है बच्चे। तो अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, ए वन आएगा नहीं आएगा, ऊपर क्या है माइनस ए टू बी वन और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बच्चे ए वन और बी टू इक्वल टू जीरो। देखो अभी भी रिजल्ट वही आएगा, ये जीरो है नहीं, तो माइनस ए टू बी वन और प्लस ए वन बी टू इज इक्वल टू जीरो। इसको ऐसा कर सकते हैं, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू जीरो। तो हमें कैसे मिला था डिटर्मिनेंट, हमने x को विलुप्त किया, है ना बच्चे, x की वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर अगले इक्वेशन में रखी, जिससे x क्या हो गया, गायब हो गया। तो हम करते क्या हैं, हम जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा चर है, उसे विलुप्त करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो जब हमें ये सिंगल वेरिएबल था, एक चर वाला समीकरण था, ये डबल वेरिएबल है, दो चर वाला है, तो यहाँ मुझे x और y को एलिमिनेट करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है, आपने शुरू से पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही समीकरण की जरूरत पड़ती है उस समीकरण को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर सिंगल वेरिएबल है x प्लस फाइव इक्वल टू टेन, तो केवल एक ही इक्वेशन में x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंगल वेरिएबल एक चर तो एक इक्वेशन, x इक्वल टू टेन माइनस फाइव, तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, फाइव हो गया। फिर हमने क्लास टेन में पढ़ा दो वेरिएबल वाले, तो अगर मान लो x प्लस y इक्वल टू सेवन है, तो अगर केवल एक समीकरण रहेगा बच्चे और दो वेरिएबल हैं, तो ना तो सही से x का मान मिल पाएगा, ना तो y का मिल पाएगा, है ना। x निकालोगे तो सेवन माइनस वाई क्लियर नहीं है, y निकालोगे तो सेवन माइनस x क्लियर नहीं है। इसलिए जब दो वेरिएबल मिले, जब दो चर मिले, तो दो समीकरण की आवश्यकता पड़ी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, तब जाके हमने तीन मेथड, चार मेथड जो भी हमारे पास हैं, उससे हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो अब वही बात है, अगर तीन वेरिएबल होंगे तो तीन समीकरण चाहिए होंगे, चार वेरिएबल होंगे तो चार समीकरण चाहिए होंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो पहले हम क्या करें बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से x और y के मान निकाल लें और उन मानों को यहाँ पे रख दें, तो हमें एक ऐसा समीकरण मिलेगा जहाँ x और y नहीं होंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, अगर आपको देखना है तो मैं करके बताता हूँ, डायरेक्ट मान निकालते हैं वज्र गुणनखंड मेथड से। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबको याद है कि नहीं याद है, है ना, तो उससे हम करते हैं बच्चों। तो x इक्वल टू होता था b1 c2 और माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, याद आया कि नहीं आया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x की वैल्यू मिलती थी कि नहीं मिलती थी, क्लास 10, है ना। और y इज इक्वल टू, बच्चे एक बात ध्यान देते हैं, जब x निकालना था तो हमने क्या किया था, इस x को ढक लिया, x निकालना है तो x को ढक लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 c2, फिर लगाते हैं माइनस बी टू सी वन। आई बात समझ में, जब पहले को रखा, शुरुआत हमने ऊपर से की, पहले से की, अब y निकालना है तो y को ढकेंगे,
लेकिन शुरुआत इस बार कहाँ से होगी, नीचे से होगी। आई बात समझ में, बस ये ध्यान देना होता है। तो हमें y निकालना है बच्चे, तो y इज इक्वल टू, शुरुआत इस बार नीचे से होगी ए टू सी वन, तो ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y के ये मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर तीन में रखेंगे। तो यहाँ पे आएगा बच्चे ए थ्री, ए थ्री इंटू एक्स क्या है, x है बी वन सी टू और माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, है ना। और फिर प्लस ए थ्री एक्स हो गया और प्लस बी थ्री वाई हो गया, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? इज इक्वल टू प्लस सी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इससे पूरा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे है ए थ्री इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन प्लस बी थ्री इंटू, ये पूरा कैंसिल, तो ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू प्लस प्यारे बच्चों सी थ्री, सी थ्री है ना, तो सी थ्री का गुणा डायरेक्ट इससे होगा नहीं होगा, तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। आएगा कि नहीं आएगा? आ गया ना। अब ये ख़त्म हो जाएगा, ये बस बचेगा। तो यहाँ पे है ए थ्री इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन प्लस बी थ्री इंटू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, है ना, प्लस प्लस सी थ्री, सी थ्री इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब बच्चे लोग थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना है, इन सब का अंदर गुणा कर देना है, बस इसको अरेंजमेंट के साथ सही करना है प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के अब मैं डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि मैं थ्री बाई थ्री का जो मैट्रिक्स है इसका जब मैं प्रसार करूँगा, इसको जब मैं सॉल्व कराऊँगा तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊँगा, तब मैं इसे विधिवत सॉल्व करने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, तो इसे कुछ इस प्रकार से, इस पूरे को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। आई बात समझ में? तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है बच्चे, ये है। कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चों को? जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके, सॉरी जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरीके से हमें मिला। तो कुल मिला के अभी हमने एक चीज़ देखी प्यारे बच्चों, जो पहला मिला था वो मिला था ए वन ए टू बी वन और बी टू, दूसरा भी मिला है तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। एक बात आपने देखी होगी कि मैट्रिक्स जो हैं वो, सॉरी डिटर्मिनेंट जो हैं वो, उनका जो ऑर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसा है, है ना, मतलब टू बाई टू है, टू सॉरी थ्री बाई थ्री हैं, फोर बाई फोर हैं, मतलब सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी बच्चे, हमेशा क्या होगी, समान होगी। तो जैसे हमने ये बोला था कि मैट्रिक्स, ध्यान करो पिछला चैप्टर, मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n होता है लेकिन डिटर्मिनेंट का ऑर्डर या तो m बाई m होगा, है ना बच्चे, और या तो n बाई n होगा। कॉलम्स एंड रोज क्या होंगी इसमें, इक्वल होंगी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कुछ हम समझ लें चीज़ें, रोज क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं, ये हमने मैट्रिक्स में देखा था। लेकिन जिसने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है, तो समझो आप ये जो लाइनें हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इन लाइन्स को हम पंक्ति बोलते हैं। ये कौन सी पंक्ति है, आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है। और ये जो खड़ी लाइनें हैं इसे क्या बोलते हैं हम, कॉलम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, स्तंभ C1, C2 और C3 हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे तीन पंक्तियाँ और तीन स्तंभ हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 होगा। प्यारे बच्चों ये पहली रो मतलब R1, ये दूसरी रो मतलब R2,
ये पहला कॉलम मतलब C1, ये दूसरा कॉलम मतलब C2। आप जान गए पंक्तियाँ ये हैं और स्तंभ क्या हैं, ये वाले हैं। उसके बाद अगला जो है बच्चों, ये कहता है कोट ऑर्डर। मैट्रिक्स में हम देख चुके हैं कि जो भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या होती है उसे इस रूप में लिखने पर हमें ऑर्डर मिल जाता है। तीन पंक्ति और तीन स्तंभ तो 3x3, या फिर सीधे हम क्या बोलेंगे, हमें मैट्रिक्स में बोलने की आवश्यकता थी 3x3, यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, क्योंकि इसमें जितनी पंक्ति रहेंगे उतने स्तंभ रहेंगे, तो 3x3 बोलने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे ये दो कोटि का सारणिक है और ये तीन कोटि का सारणिक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे ये जो डिटर्मिनेंट है वो सेकेंड ऑर्डर का है और ये किसका है, थर्ड ऑर्डर का है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो कोट मतलब ऑर्डर भी हो गया प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे संकेतन दर्शाते कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट को दर्शाते हैं कैपिटल डी से, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, या फिर ये डेल के सिग्नेचर से। आई बात समझ में? मतलब जैसे हम बोलते थे ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, वैसे यहाँ बोलेंगे डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1, 2, 3, 4। पिछले चैप्टर में ये ब्रैकेट लगता था, वो मैट्रिक्स था, यहाँ पे सीधी लाइन लगेगी, ये सारणिक है, ये डिटर्मिनेंट है। तो या तो हम डी से दर्शाएंगे या फिर डेल्टा से दर्शाएंगे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? या फिर जब कम पड़ता है तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी कहता है मुख्य विकर्ण के अवयव। मुख्य विकर्ण वही है मेन डायगोनल 1 और 4, है ना। ये क्या है, मेन डायगोनल 1 और 4। जैसे वहाँ हम लिखते थे डी आई जी, है ना, 1, 4, है ना, वहाँ पे सारणिक लगाते थे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगाएंगे बच्चों। तो मुख्य विकर्ण भी हमको मिल गया, मेन डायगोनल, है ना, मेन डायगोनल A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। प्यारे बच्चों ये है हमारा मेन डायगोनल। ये क्या है बच्चों, हमारा मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, ये होता है हमारा मेन डायगोनल। उसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार, सॉरी द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार, ये वाला हम देखेंगे बच्चों। उसके बाद हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे या फिर इसी वीडियो में एक्सरसाइज कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो अब इस प्रसार से पहले दो तीन मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ जो हमने देखी हैं। पहली चीज़ तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को दर्शाने का तरीका अलग अलग है। हम मैट्रिक्स को दर्शाया करते थे बच्चों, यहाँ मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स और यहाँ मैं लिखता हूँ डिटर्मिनेंट, है ना, डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से दर्शाते थे ABCD, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट लिखते थे A12, A21 और A22। आई बात समझ में? डिटर्मिनेंट को हम डी से या फिर डेल्टा से दर्शाते हैं और एलिमेंट्स को लिखते हैं किसके अंदर प्यारे बच्चों, दो स्ट्रेट लाइन के अंदर, दो सीधी रेखाओं के अंदर। दूसरी बात बच्चों, मैट्रिक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल पाते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट की एक निश्चित वैल्यू होती है, एक निश्चित नंबर होता है। आई बात समझ में? जैसे हमने देखा था कि अगर मान लो ये 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे हम 5, 8, 40 और -6, 7, 42 इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, ये 2 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कहने का मतलब ये है कि अगर A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 5, 6, 7 और 8, अगर कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में यही रहेगा, A इज इक्वल टू 5, 6, 7 और 8, कोई वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालूंगा, इस आव्यूह का मान निकालूंगा, इस आव्यूह का सारणिक निकालूंगा, है ना, ये A है मैट्रिक्स, लेकिन इसे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A बोल सकता हूं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा तो ये मैट्रिक्स बदल जाएगा किसमें, डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
पाँच अट्ठे चालीस, ये क्रॉस होता है, अब माइनस लगता है छः सत्ते बयालीस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टू हो गया। मतलब हम अपने मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था हमारा मैट्रिक्स और ये था डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। आई बात समझ में? ये था आव्यूह ए और ये है सारणिक, आव्यूह के सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से हम थोड़ा सा जो कनेक्शन है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच वो आपको बता सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम एक बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमारी पहली एक्सरसाइज इससे पूरी हो जाएगी, वो है बच्चों द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार। द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार, कोटि मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑर्डर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, है ना, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हम क्या करेंगे बच्चे, एक्सपेंशन करेंगे। आई बात समझ में? आप प्यारे बच्चों द्वितीय कोटि, अब मैंने बताया था अभी ऑर्डर में बताया था कि अगर मान लो दो पंक्ति और दो स्तंभ हैं A1 A2 B1 और B2 तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीय कोटि का सारणिक, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये क्या कहलाएगा बच्चे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तृतीय कोटि का सारणिक, है ना, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। अगर ऐसे ही A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, P1, P2, P3, P4, तो ये होगा चतुर्थ कोटि का सारणिक, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ फोर्थ ऑर्डर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इसी तरीके से हम वन बाय वन आगे पहुंचेंगे बच्चों, लेकिन फिलहाल हमें जो सबसे आसान और सबसे अच्छा और सबसे बेसिक है वो है सेकंड ऑर्डर का सारणिक, द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो सबसे पहले बच्चे लोग ये देखें कि ये कैसे प्रसार होता है। तो ये है मान लो A1, A2, B1 और B2, ये मान लो हमारा क्या है, कोई डिटर्मिनेंट है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो इसका जब भी प्रसार होता है बच्चे, तो एक बात ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसका गुणा इससे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो A1, B2, फिर लगाते हैं माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, किसका माइनस, ये फार्मूले का है। तो A1, B2, फिर लगाएंगे माइनस, फिर या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, A2, B1। कोई दिक्कत? A1, A2, A2, B1, A1, A2 और A2, B1। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसका प्रसार होता है। आप प्यारे बच्चे बोलेंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? शुरुआत मैंने बोला है, क्या बोला है, अपने पास क्या था, A1x + B1 = 0 और A2x + B2 = 0। क्या किए थे, x की वैल्यू निकाले थे, इससे x की वैल्यू मिले थे x = -B1/A1, इससे मिले थे x = -B2/A2, दोनों के इक्वेट किए थे, है ना, तो -B1/A1 = -B2/A2 इधर लाए थे, तो B1/A1 माइनस का +B2/A2 प्लस का = 0, है ना। फिर क्या था, एलसीएम आ गया था A1 और A2, A1 से A1 कैंसिल, तो माइनस ये बन गया था A2B1 और प्लस ये बन गया था A2 से A2 कैंसिल, ये बन गया था A1B2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? = 0। इसको व्यवस्थित करो तो A1B2 और -A2B1 = 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? यही मिला कि नहीं मिला? तो कैसे मिला, देखो A1 का गुणा B2 से हो रहा है, A1B2 है कि नहीं है, तो वही, तो यही इक्वेशन तो मैंने रखे हैं A1B1 A2B2, तो बस अंतर ये कि मैंने A1B1 A2B2। आई बात समझ में? तो इस वाले का गुणा इससे और फिर A2B2 इसका गुणा इससे, तो B1 A2 करें चाहे A2B1 कर दें, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो वही चीज़ तो यहाँ पे है। तो प्रसार क्या होगा, इसका इससे गुणा,
फिर ये माइनस फार्मूले का और इसका इससे गुणा, तो ये होता है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, हो गया? अब बहुत सारे क्वेश्चन इससे हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो हमारे नवोत की एक्सरसाइज में है। कहता है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चे ध्यान देना, मैंने कॉन्सेप्ट कराते वक्त बोला है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मैंने बोला है डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है एक निश्चित सर्टेन नंबर होता है उसकी वैल्यू। मैट्रिक्स में कहीं वैल्यू नहीं थी, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाते थे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ही हम डिटर्मिनेंट में आए हैं। आई बात समझ में? मैट्रिक्स में कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिला होगा कि निम्न आव्यूह का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती नहीं है, वैल्यू के लिए ही तो यहाँ पे आए हैं। आगे बात समझ में? तो अब वो मैट्रिक्स है क्या प्यारे बच्चों? वो मैट्रिक्स है कॉस थीटा और फिर है माइनस का साइन थीटा और फिर है प्यारे बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा। दिख रहा है कि वैल्यू वन आ रही है, लेकिन हम विधिवत करेंगे। सबसे पहला काम माना या फिर लेट जो भी दिया हो बच्चे, उसे डी मान लो या फिर डेल्टा मान लो। बुक्स में कहीं डेल्टा माना है कहीं डी माना है, क्योंकि दोनों से इसको डिनोट करते हैं। तो लेट डेल्टा इक्वल टू जो भी दिया रहे डिटर्मिनेंट, उसे डेल्टा मान लिया करो। ये हुआ साइन थीटा और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? कॉस थीटा। तो डेल्टा इज इक्वल टू कॉस का कॉस से गुणा, यही ना करते हैं, इसका गुणा इससे, है ना? तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फार्मूले का। बार बार मैं बोल रहा हूँ माइनस फार्मूले का, क्योंकि बच्चे लोग मिक्सचर कर देते हैं। ये माइनस किसका है? फार्मूले का है। अब इसका गुणा इससे, तो साइन का गुणा माइनस साइन से, तो माइनस साइन स्क्वायर होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों? होगा ना। द कॉस का गुणा कॉस से, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस फार्मूले का, साइन का गुणा माइनस साइन से, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस से गुणा क्या होगा बच्चे? प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो डेल्टा इज इक्वल टू, मैं इसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस वी नो दैट ये हमारी है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, सर्वश्रमिका नंबर पहला जो हमने क्लास टेंथ में देखा था, इसकी वैल्यू वन होती है। डेल्टा इज इक्वल टू इसके स्थान पे मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे? वन कर सकता हूँ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो एक्सरसाइज जो 4.1 है, मेरे हिसाब से आप उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मैं मिलूँगा एक्सरसाइज 4.1 के साथ। इस सारे कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से पढ़ो। अभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं डिटर्मिनेंट के, उन्हें आगे मैं बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चे लोग? तो बढ़िया से पढ़ो, लगे रहो कॉन्सेप्ट में, थोड़ा टाइम दो बच्चे। जिन बच्चों को बोरियत लगती है कि सर जी कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाते हैं, देखो मेरे पास पढ़ाने के और तरीके भी हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार किताब देख के ये देख सकता हूँ कि इस लेसन में या फिर इस एक्सरसाइज में कितने टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा आपको, है ना? आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा, बेस मजबूत नहीं होगा, तो आगे चल के आपको दिक्कतें होनी हैं। बस जो छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों को कंप्लीट कर लो, तो आपके ज़िंदगी में कभी बड़ी समस्या नहीं आ सकती हैं। और छोटी बातें मजबूत रखना, छोटी बातें कंप्लीट करना ही कॉन्सेप्ट है बच्चे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के लिए कोई बेमानी मत करो। थोड़ा समय लग रहा है तो लगे, एक बात आप नोट कर लो, अभी तो हम ऐसे टॉपिक में हैं जिन पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, है ना? जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पे जब हमने कॉन्सेप्ट कर ली थी, सारे फार्मूले प्रूव्ड कर लिए थे, तो हमने देखा कि जो क्वेश्चन मिले थे ना, वो फार्मूलों के प्रूफ जैसे ही मिले थे, है ना? तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस को करने में। तो आगे जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो उनके जब कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे बच्चे, अगर हम एक घंटे दो घंटे तीन घंटे उनके कॉन्सेप्ट में फार्मूलों में देंगे, तो उसका जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, वो चुटकी में आपको, मतलब चुटकियाँ लेते ख़त्म हो जाएगा। मैंने सुना है कई बच्चों के रात में फोन आए हैं कि सर इंटीग्रेशन सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आ रहा है।
डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में बड़ा मजा आ रहा है। आपकी कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये रिजल्ट है बच्चे, जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट किया है। और फिर मैंने उन बच्चों के भी फ़ोन कॉल्स प्राप्त किए हैं जो रात रात को फ़ोन लगा के ये भी कहते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, अगला अलग टाइप से है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट कर ले गए ना बच्चे, तो आप सब कर ले गए। एक बहुत मशहूर डायलॉग है हमारे राजकुमार साहब का कि जानी हम वो नहीं जो आँखों से सुरमा चुराते हैं, अरे हम तो वो हैं जो आँखें ही चुरा लेते हैं। आई बात समझ में? तो आप पूरा का पूरा आँखें चुराओ, आँखों से काजर निकाले क्या करोगे, टंडन लगाओगे क्या हैं? इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। और अगर डायलॉग सही ना लगा हो तो राजकुमार साहब कुछ ऐसे करते हैं, जानी हम वो नहीं जो आँखों से सुरमा चुराते हैं, हम वो हैं जो आँखें ही चुरा लेते हैं। मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन आप पढ़ो वैसे डायलॉग का क्या चार डालोगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।